हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड, स्टडिंग वेल. सो वेलकम टू टुडेज सेशन. इट्स अ शॉर्ट क्विज ऑन इंटरमीडिएट डिस्टरबेंस हाइपोथेसिस. आई हैड ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस हाइपोथेसिस इन वन ऑफ द अर्लियर वीडियो. Let's begin. Read the following statements about intermediate disturbance hypothesis carefully and choose the correct option that contains, choose the option that contains all correct statements. यानी चार statements नीचे दी हुई हैं, उनमें से हमें बताना है कौन सी सही हैं, कितनी सही हैं और फिर कौन कौन सी हैं. नीचे options फिर दिए हुए हैं. पहली statement कहती है, the R selected species colonize quickly that have been recently cleared after areas that have been recently cleared by disturbance. तो उन areas को colonize जल्दी करते हैं कौन? R selected species. आपको पता है R selected species वो species होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो बहुत stress भी झेल लेते हैं, disturbance भी झेल लेते हैं. उनका small size होता है, reproductive potential बहुत ज़्यादा होता है, life cycle छोटी होती है. तो ऐसे species को R species कहते हैं. R strategist, reproductive, R stands for reproductive, इनका rate. फिर तो this statement is correct, ये कोलोनाइज करते हैं क्विकली आफ्टर डिस्टरबेंस. सेकंड है, द के सेलेक्टेड स्पीशीज कोलोनाइज. के होती कैरिंग कैपेसिटी, एक कैपेसिटी होती है किसी भी इकोसिस्टम की स्पीशीज को सस्टेन करने की. उसके बियॉन्ड वहां पर अगर आप सब कुछ भी दें तो भी उसके ऊपर उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती, उसके आसपास ही फ्लक्चुएट करेगी. हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में इन चीजों को और डिटेल में देखेंगे. अभी आप इतना समझिए, के सेलेक्टेड स्पीशीज कोलोनाइज एरियाज वेयर डिस्टर्बेंस अकर्ड लॉन्ग टाइम एगो. यस, क्योंकि के सेलेक्टेड स्पीशीज की बॉडी साइज ज़्यादा होता है, रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, लाइफ साइकिल लंबी होती है, तो इनको एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए रहने के लिए भी और रिप्रोड्यूस करने के लिए भी. तो दे ऑलवेज प्रेफर स्टेबल एनवायरमेंट, यानी लो डिस्टर्बेंस एरिया. सी स्टेटमेंट है, फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस एक्सक्लूड्स ऑल बट फास्ट मैच्योरिंग स्पीशीज. बार बार डिस्टर्बेंस हो तो क्या होगा? सारी स्पीशीज हट जाएंगी एक्सेप्ट फास्ट मैच्योरिंग, क्योंकि वो भी हटेंगी बट वो इससे पहले जाएं अपना प्रोपोग्यूल वहाँ पे छोड़ के जाती है नेक्स्ट प्रोजेक्ट. फास्ट मैच्योरिंग, जल्दी लाइफ साइकिल खत्म. एक तरीके से आर स्ट्रेटेजिस्ट ही हुए ये. और फिर फोर्थ है, एट इंटरमीडिएट लेवल बोथ अर्ली एंड लेट सक्सेशनल स्टेजेस कैन को एग्जिस्ट. यस, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे क्या है, हम अर्ली स्टेजेस अभी हैं, पूरी तरीके से हटी नहीं है, और जो बाद की स्टेजेस के कुछ स्पीशीज आने शुरू हो गए, अभी पूरी तरीके से वो हावी नहीं हुए, डोमिनेंट नहीं हुए, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल अभी आया नहीं है. तो आपको इंटरमीडिएट स्टेज पे इसीलिए मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलती है, क्योंकि दोनों वहां पर अर्ली और लेट सक्सेशनल स्टेजेस को एग्जिस्ट करती हैं. तो ये चारों स्टेटमेंट्स सही है. अब ऑप्शंस आप देखिए, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी एंड ए बी सी डी. तो फोर्थ ऑप्शन आपका डी करेक्ट है. इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आप बहुत ध्यान से पढ़िए. ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को भी देखकर घबराइए नहीं, आंसर ऑप्शंस में ही छुपा होगा. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर पाएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अबव आईडीएच ग्राफ शोज रिलेशनशिप बिटवीन डाइवर्सिटी एंड डिस्टर्बेंस. ये ग्राफ रिलेशनशिप बताता है डाइवर्सिटी और डिस्टर्बेंस. ये वाई एक्सिस पर डाइवर्सिटी है, एक्स पर डिस्टर्बेंस है. विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स पी एंड क्यू. इस ग्राफ में ये पॉइंट्स हैं पी और ये पॉइंट्स हैं क्यू. इस ग्राफ को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी मिनिमम होती है यहाँ पर और मैक्सिमम हो रही है यहाँ पे, यानी दोनों एंड्स पर मिनिमम है,
दोनों एंड्स यहाँ पे डिस्टरबेंस है ये। अब ये जो तीन पॉइंट्स हैं, इधर के भी पी और इधर के क्यू, तीन पी इधर है, तीन क्यू उधर, हमें इन पॉइंट्स को पता करना है। पहला ऑप्शन कहता है फ्रीक्वेंट डिस्टरबेंस, बार बार डिस्टरबेंस, स्मॉल एक्सटेंट ऑफ डिस्टरबेंस, थोड़ा डिस्टरबेंस, और लॉन्ग टाइम सिंस डिस्टरबेंस, बहुत लंबा समय हो गया डिस्टरबेंस के। तो देखिए ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी से हो गए, फ्रीक्वेंट डिस्टरबेंस और स्मॉल एक्सटेंट और लॉन्ग टाइम। तो फ्रीक्वेंट और स्मॉल एक्सटेंट और लॉन्ग टाइम, ये दोनों तो फिर भी एक इफेक्ट दिखा पाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंट इनसे अलग है। और द क्यू का देखते हैं, इनफ्रीक्वेंट डिस्टरबेंट, कभी कभी हुआ है डिस्टरबेंस, लार्ज एक्सटेंट ऑफ डिस्टरबेंस और शॉर्ट टाइम, जल्दी जल्दी हुआ है। तो यहां पर भी ये दोनों एक से हैं, लार्ज एक्सटेंट और शॉर्ट टाइम, अभी एक महीना ही भी नहीं हुआ था, शॉर्ट टाइम ही हुआ था डिस्टरबेंस को, फिर से आ गया डिस्टरबेंस, लार्ज एक्सटेंट और बहुत बड़ा आया। तो इसलिए ये तो एक से हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी घटाएंगे, लेकिन ये क्या है, कहता है इनफ्रीक्वेंट, कभी कभी आएगा ऐसा। तो अगर तीनों एक से होंगे तो वो कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव इफेक्ट अपना दिखाएंगे, तो ये आपका नहीं है। यहाँ पे तीनों पी मैच नहीं कर रहे, तीनों क्यू भी मैच नहीं कर रहे। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है इनफ्रीक्वेंट, पी है इनफ्रीक्वेंट डिस्टरबेंस, कभी कभी डिस्टरबेंस, लार्ज एक्सटेंट डिस्टरबेंस, बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है डिस्टरबेंस, एंड लॉन्ग टाइम सिंस डिस्टरबेंस। तो यहां पर आपका क्या है, ये थोड़ा अलग हो जाता है लार्ज एक्सटेंट, और इनफ्रीक्वेंट और लॉन्ग टर्म तो एक से हो रहे हैं, लेकिन ये लार्ज एक्सटेंट, तो ये एक तरीके से इनके इफेक्ट को नलीफाई करता है, कहीं ना कहीं एंटागोनिस्टिक हो रहा है, ये तो साइनर्जिस्टिक होने चाहिए, सारे के सारे क्यूमुलेटिव एडिटिव होने चाहिए। और क्यू कहता है फ्रीक्वेंट है, बार बार हो रहा है, हर एक एक महीने बाद हो रहा है, लेकिन स्मॉल एक्सटेंट का हो रहा है और शॉर्ट टाइम, जल्दी जल्दी हो रहा है। तो फ्रीक्वेंट और शॉर्ट टाइम तो एक सा इफेक्ट दिखा रहे, लेकिन स्मॉल एक्सटेंट उतना असर नहीं डाल रहा डाइवर्सिटी पे, तो आपका ये भी गलत है। नेक्स्ट आप देखिए, पी कहता है इनफ्रीक्वेंट डिस्टरबेंस, कभी कभी डिस्टरबेंस, स्मॉल एक्सटेंट डिस्टरबेंस, थोड़ा डिस्टरबेंस, और लॉन्ग टाइम सिंस डिस्टरबेंस, लॉन्ग टाइम सिंस डिस्टरबेंस। ये देखिए ना, दो एरो एक तरफ जा रही हैं। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे डिस्टरबेंस में, तो क्या पाएंगे, दो एरोज एक डायरेक्शन में हैं और एक एरो अलग डायरेक्शन में है। ये क्या इंडिकेट करती हैं, कि ये टाइम सिंस डिस्टरबेंस होगा, ये आपका है इनफ्रीक्वेंट डिस्टरबेंस, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये एक्सटेंट बता रहा है, और ये लॉन्ग टाइम सिंस डिस्टरबेंस, बहुत लंबा समय हुआ है डिस्टरबेंस हुए। और क्यू कहता है फ्रीक्वेंट डिस्टरबेंस, बार बार डिस्टरबेंस, बड़े एक्सटेंट का डिस्टरबेंस, और शॉर्ट टाइम सिंस डिस्टरबेंस, अभी हुआ था फिर से हो गया। हमने बात की ना फ्रीक्वेंट, जल्दी जल्दी हो रहा है और कम अंतराल पे होता जा रहा है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी मिनिमम होगी। सो क्यू सही है, ये आपका नंबर थ्री सही है, क्योंकि सी में क्या है, पी भी सारे एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं डाइवर्सिटी घटाने की, और क्यू भी सारे एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं डाइवर्सिटी घटाने की, सारे का सबका एडिटिव इफेक्ट है, कहीं ना कहीं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है, एंटागोनिस्टिक नहीं है एक दूसरे के। और डी में आप देखिए, इनफ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस, कभी कभी डिस्टर्बेंस, स्मॉल एक्सटेंट ऑफ डिस्टर्बेंस और शॉर्ट टाइम सिंस डिस्टर्बेंस, इनफ्रीक्वेंट है, छोटा है और शॉर्ट टाइम, तो शॉर्ट टाइम यहां पर अलग हो जाता है। ये दो तो एक जैसे हो रहे हैं, और
क्यू है फ्रीक्वेंट डिस्टरबेंस, लार्ज एक्सटेंट डिस्टरबेंस लेकिन लॉन्ग टाइम, एक स्टेबिलिटी वहाँ आ रही है लॉन्ग टाइम सिंस आफ्टर, अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो। इस तरीके से थोड़ा सा आपको लेंदी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन क्वेश्चन ईजी है, इसी तरह के क्वेश्चंस इस हाइपोथेसिस से आपको आ सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी हियर, इनफ्रीक्वेंट डिस्टरबेंस, स्मॉल एक्सटेंट डिस्टरबेंस एंड लॉन्ग टाइम सिंस डिस्टरबेंस, ये है पी और ये है क्यू। क्या है? फ्रीक्वेंट डिस्टरबेंस, लार्ज एक्सटेंट डिस्टरबेंस और शॉर्ट टाइम सिंस डिस्टरबेंस। सो आपका आंसर इसमें सी है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस, एट लो डिस्टर्बेंस लेवल कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रिड्यूसेस डाइवर्सिटी। लो लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस यानी कौन सी स्टेजेस होंगी सक्सेशन की? मैच्योर, मैच्योर होंगी तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आ जाएगा। अगर आपने ग्राइम्स की लाइफ वो पढ़ी थी हिस्ट्रीज, तो उसमें आपको रोडेरल स्ट्रेस टॉलरेटर्स वो आपने पढ़ी होंगी, वहाँ आपको रिलेट करिए। जब लो लेवल का डिस्टरबेंस होता है तो कौन होते? डोमिनेंट्स आते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आ चुका है और उस वजह से डाइवर्सिटी रिड्यूस हो गई है। हाई लेवल ऑफ डिस्टरबेंस में क्या है? डाइवर्सिटी क्यों डिक्लाइन करती है? एज मॉर्टेलिटी राइजेस, जो कुछ है सब खत्म हो जाता है, फिर से आएंगे, लेकिन डिस्टर्बेंस की वजह से खत्म हो गए तो डाइवर्सिटी कम है। इंटरमीडिएट लेवल पे जो थर्ड स्टेटमेंट है, ए बैलेंस बिटवीन डिसरप्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एंड मोर्टेलिटी लीड्स टू हाई डाइवर्सिटी। एक बैलेंस बन जाता है मोर्टेलिटी और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल, ये दोनों के बीच में, उतने मरे भी नहीं हैं और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल आया भी नहीं है। ये एक जब बैलेंस होगा उस पॉइंट पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। और लास्ट स्टेटमेंट है, एट हाई डिस्टर्बेंस लेवल कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रिड्यूसेस डाइवर्सिटी, गलत है। हाई लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस पे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कभी आएगा ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आएगा जब लो लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस होगा, जब एनवायरमेंट स्टेबल होगा तब डोमिनेंट्स आते हैं, और डोमिनेंट्स आएंगे तभी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन शामिल होगा। तो अब आप ऑप्शंस देखिए, आपका डी गलत है, ए एंड सी गलत, बी एंड सी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ए बी सी, ये तीन आपके सही। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस। इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अटेंडिंग क्वेश्चन, इन अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चंस, काइंडली सेंड अस योर फीडबैक, योर क्वेश्चंस, योर कमेंट्स, सो दैट वी कैन हेल्प यू। वेरी सून वील बी मीटिंग इन अनदर सेशन वेयर वील टॉक अबाउट निश। तो अगला सेशन निश के ऊपर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, हेल्दी, स्टडी वेल। थैंक यू।